Welcome back to my YouTube channel. So today is 29th of November and it's my 25th of birthday. And I'm so excited. Excited to celebrate it alone. Like, mera man ye tha ki kya kehte hain main ye jo birthday hai. Wo akele celebrate karu. Kyunki friends ke saath ya family ke saath bhi also ek priority hai. But kyunki abhi main mere nahi ja sakti hu. Ek din mein bahut zyada watch call se jaata hai. To maine socha ki main akele celebrate karu. एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई लव कि हाँ मैं अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, जानूँ अपनी कमियाँ, अपनी अच्छाई को अप्रिशिएट करूँ और फिर वर्क करूँ. सो हाँ, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड. ऑफिस से मैं लीव ले चुकी हूँ, प्लान कर चुकी हूँ क्योंकि पूरे दिन में मुझे क्या क्या करना है. आई नो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ठीक है, अब मेरी विश है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं उसे पूरी ना करूँ. I want to do each and everything which I really wish to do. So yeah, this is one of them. So this vlog mein aapko pura pata chalega ki main aaj kya kya kar raha hoon. Okay, so the first thing jo maine socha hai wo hai mandir jaane ki. Of course, maine ghar pe pooja ki kaise kya karna hai. Abhi to bhi khud hi ready hu. Which is so beautiful. Aur jab se ready ho jaati hu. Okay, so we're ready. Hope. Aur bas shoes pehne hain. Okay, so this is my OOTD for the day. Okay, so मैं जा रही हूँ छतरपुर मंदिर. यहाँ मैं मेट्रो स्टेशन से एग्जिट कर रही हूँ. पिक कर ही लिया है. Okay, so मंदिर तो मैं आ गई हूँ. अब दर्शन कर लेती हूँ जल्दी से. काफ़ी बड़ा है. मैं थोड़ा कंफ्यूज थी पहले कि इस वाले मंदिर में जाऊँ या कहाँ जाऊँ, बट ये मेरे घर के क्लोजेस्ट था तो मैंने सोचा यहाँ चली जाती हूँ. ये बहुत अच्छा है. ओके, सो मैंने दर्शन कर लिए हैं. ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, स्पेशली अगर आप साउथ दिल्ली में रह रहे हो या दिल्ली में कहीं रह रहे हो तो. बहुत ही प्यारा मंदिर है, आपको यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. यहाँ पे कितनी सारी चुन्नी बंधी हुई है, कुछ ऐसा लगता है कि विशेस मांगी गई हैं और विशेस के बाद ये चुन्नी चढ़ाई गई है. सो मंदिर दर्शन करने के बाद ना आई एम गोइंग टू गेट माय नेल्स डन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे एक प्रीवियस इन नेल्स करवानी है, बट कब करवानी है. सो आई थॉट व्हाई नॉट ऑन द बर्थडे. सो नाउ आई एम सो एक्साइटेड कि कैसे होंगे, कौन सा कलर करवाना है. वेरी एक्साइटेड. सो अपने नेल्स को प्रिटी प्रिटी रेडी करने के लिए मैं आ गई हूँ फिडिशिया. और यहाँ पर कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गई है क्योंकि इतने सुंदर सुंदर नेल्स देखकर मैं कन्फ्यूज़ हो गई कि मुझे कौन से नेल करवाने हैं. घर से सोच कर आई थी मैं न्यूट्रल, बट यहाँ आके मैंने थोड़ा माइंड चेंज कर लिया है और थोड़ा अलग कलर करवाया है. और ये देखने के लिए कि मैंने कौन सा कलर करवाया है, ऑफकोर्स आपको ये ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा. जो नेल आर्टिस्ट थी उसका नाम ईशा था, जो कि बहुत स्वीट थी. उन्होंने जो भी सर्विस प्रोवाइड करी वो बहुत अच्छे से करी थी. क्यूटिकल्स इतने अच्छे से पुश करी, नेल पेंट इतने प्यार से अच्छे से लगाई और बफरिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से करी. यहाँ नेल्स रेडी हो गए हैं, अब ये ट्रिम होंगे एंड अब यहाँ पर नेल पेंट अप्लाई करी जा रही है. अब ये नेल पेंट अप्लाई होने के बाद ईशा ने कॉम्प्लीमेंट्री ग्लिटर दिए बिकॉज बर्थडे है, तो इट्स अ बर्थडे गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम ईशा साइड. थैंक यू सो मच ईशा. एंड अब ये नेल्स ड्राई होंगे एंड थोड़े ही सेकंड्स में नेल्स आर रेडी. हियर आर माय न्यू नेल्स. दीज आर लुकिंग सो सो प्रिटी. ओके, सो अब मैं जा रही हूँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने, जिसके लिए मैं थोड़ा सा सामान ले रही हूँ. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे.
वही मैं कहने वाला था आपसे, आपने मोमबत्ती तो बजाई नहीं। चलो कोई नहीं, अरे वाह, आप तो बड़ा अच्छा गाना गाते हो। चलो अब आपकी बारी, जल्दी से जल्दी से। हाँ, आपको सुनाओ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उम्र में इनकी बरस एक भर गया, राह में एक और दीपक जल गया। उम्र में इनकी बरस एक भर गया, थैंक यू। एक और दीपक जल गया, हम समर्पित कर रहेगी तू क्या। अच्छा एक बात बताओ, मुझे तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, पर आपको मेरे से मिलकर कैसे लगा? मुझे ये अच्छा जो मुझे समझ आ रहा है, आप बहुत खुश हैं। हाँ, नो डाउट, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और आप जब शुरू में आए, अभी थोड़ी देर पहले, हाँ, आप बड़े कंट्रोल कर थोड़े से खुल गई हूँ, मिल गई हूँ। हाँ, मिल गई। मुझे यहाँ आकर इतना अच्छा लगा, सब अंकल आंटी से मिलकर, उनके साथ फोटोज क्लिक करवा कर, उनके साथ बैठकर खाकर, और हमने बहुत सारी मस्ती करी, बहुत। ओके, सो आई एम सो हैप्पी, लाइक सो हैप्पी। अभी मैं आशियाना से बाहर आई हूँ, मेरे 2-2.5 घंटे कैसे गए मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मुझे उन लोगों के साथ मिलकर इतना 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 अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा। लाइक दिस वॉज द बेस्ट बर्थडे टिल नाउ, लाइक 24 years, 25 years में अभी तक का बेस्ट बर्थडे है ये मेरा। ओके, सो द लास्ट प्लेस फॉर द डे नाउ। पहले मैंने सोचा था कि मैं डिनर जो है घर पर ही बना लूँगी, कुछ भी जो मुझे अच्छा लगता हो, बट अब एक फ्रेंड के साथ प्लान बन गया है, सो मैं डिनर करने बाहर जा रही हूँ, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं आज ही ये ब्लॉग एडिट करके आज। ये है आज का डिनर, और इनसे मिलिए। ये है स्नेहल जी, जो कि बहुत बिजी रहते हैं, साल में 1 या 2 बार ही मिलते हैं। जिस कैफ़े में हम आए हैं उसका एम्बियंस ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बहुत क्यूट है, और इसका नाम है बेला वाई, जो कि साकेत में है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ममता, Happy birthday to you. Hello, 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 hello. Hello.